तो फ्रेंड्स, आप सभी का पाई दी एजुकेशन हब में एक बार दोबारा स्वागत है। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल एग्ज़ाम के बारे में, जो उसकी कट ऑफ है और जो उसकी क्या तैयारी है इस वन मंथ में, जैसा आपको पता होगा डेट आपका आगे बढ़ गया है, वो क्या करना है। यहाँ जो मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूँ वो आपको यूआर ओबीसी और एससी एसटी स्टूडेंट का कट ऑफ है। ये कट ऑफ यूपी ट्रिपल एससी में जो पिछले 3 साल से पेपर हो रहे हैं उनको एनालाइज करके बना है कि ऐसे कट ऑफ जाने की उम्मीद है। अब आप ये समझेंगे कि ये कट ऑफ अभी से एडवांस में क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें। आपका मार्क्स 70+ होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, वो अपना मार्क्स हमेशा इतना अच्छा लाए या इतना ज़्यादा मेहनत करे कि उसको ये ना टेंशन रहे कि मेरा इस एग्ज़ाम में जब कट ऑफ या मेरिट बनेगा तो मेरा होगा कि नहीं होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि पीटी या एनटीपीसी में अब जो कट ऑफ आया था उसमें यही हुआ था। जो स्टूडेंट किसी कोचिंग के बताए हुए कट ऑफ पर गए, क्योंकि उनको क्या है, उनको तो कोर्स बेचना है अपना, तो वो आपको कम कट ऑफ बताएंगे। कंपटीशन को आप अगर देख रहे हैं, अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम को हर फील्ड फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा ये कट ऑफ जो जाती है वो जानी है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स चाहे वो किसी का डिग्री का हो, वो बहुत मेहनत करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो उस स्कोर को पाता है। तो कट ऑफ तो बढ़ना लाजमी है, तो इसलिए मैंने जो कट ऑफ बनाया है उसमें आप देख लेंगे कि यू आर का कट ऑफ 75+ बनाया है। अब आप ये मान के चलिए, आजकल ओबीसी स्टूडेंट और जो ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट हैं, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट का कट ऑफ सेम जाता है। क्यों? क्योंकि ओबीसी स्टूडेंट जो हैं वो मार्क्स जो है यूआर जो अनरिजर्व कैटेगरी के मार्क्स हैं या कट ऑफ, उसके बराबर या उससे कभी कभी अधिक लाते हैं। तो इसलिए कभी भी ये आप मान के चलिए कि आपका कट ऑफ चाहे ओबीसी हो चाहे एसएसटी हो, कि मेरा कट ऑफ तो यूआर से हमेशा 5-10 नंबर कम रहेगा, आप ये मांग के चलिए हमें कितना अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकूँ। तो ये रहा कट ऑफ के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि चूँकि लेखपाल एग्ज़ाम आपको पता है एक मंथ आगे चला गया है, 24 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। अब आप ये मांग के चलिए कि 100 मार्क्स में से 70+ कैसे स्कोर करना है, तो सबसे पहले मैं कहूँगा आप अपने मैथ और हिंदी को जो 50 नंबर का है उसमें से 45 नंबर फिक्स करिए। ये आपके मार्क्स ऐसे हैं जिनको आपको पता है कि यदि आप फिर जिसका सिलेबस है उस सिलेबस को पढ़िए, हिंदी हो या मैथ हो, आपको अगर हिंदी या मैथ दोनों में 50 में 45+45 नंबर से ऊपर ले आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आप मैं एक अच्छा स्कोर बना रहा हूँ। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा ग्रामीण जो ग्रामीण जो लेखपाल में जो ग्रामीण परिवेश का सिलेबस दिया है उसमें कुछ पार्ट ऐसे जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं। जैसे उसमें है पंचायत के बारे में, गवर्नमेंट की स्कीम है स्टेट या सेंटर की, उसको पढ़िए। जो फिक्स्ड नंबर हैं वहाँ से आपको पकड़ना है, क्योंकि जो ये सब जीएस जीके के सिलेबस होते हैं ये वास्ट होते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा यदि आप जीएस जीके में जाएंगे, आपको वहाँ दिखेगा कि पॉलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उनको पढ़ लीजिए। जियोग्राफी में जाइए, वहाँ पर आपको होगा जनसंख्या, पॉपुलेशन जो 2011 का जो जनगणना हुआ था उसको पढ़िए। कंप्यूटर के मार्क्स 5 नंबर वहाँ पढ़िए। आप ऐसे करके अगर आप 50 में से 45 नंबर लाते हैं यहाँ, और मैं मान लेता हूँ ग्रामीण विकास में आप यदि 25 में से 15 नंबर भी ले आते हैं, तो आप अच्छा खासा 60 नंबर, और इसके ऊपर आपके जीएसजी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये आप पहले टारगेट करिए कि आप अपना मैथ और हिंदी स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आपने मैथ अपना हिंदी स्ट्रॉन्ग कर लिया, मैथ और हिंदी 50 में 50 ले आया, तो गारंटी कह रहा हूँ आप यदि वहाँ पर जीएसजीके में कितना भी हार्ड आ जाए तो वो हार्ड सबके लिए होगा। पर आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पर अपने जो इतने मंथ से आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण प्रवेश हो और जीएसजीके, उसको ध्यान से स्कोर करना है। बस मैं यही बात बताने के लिए इस वीडियो में आया था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।